और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? आप सबको बहुत बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं, या फिर कहें हैप्पी दिवाली। तो होपफुली तुम लोग इन्जॉय कर रहे होगे। अब सबका अपना इन्जॉय करने का तरीका होता है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ खाना, तो मैं वही पूछूंगा, क्या खाया भैया आज तुमने? खास कौन सा खास पकवान बना है तुम्हारे यहाँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि भाई जब भी होली आती थी ना, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहते थे उनसे मैं बोलता था गुजिया खिलाओ, और हराम खोर साले बड़ी मुश्किल से खिलाते थे। असल में उनकी भी गलती नहीं भाई, वो टिफ़िन में लाते तो थे मेरे लिए, लेकिन हमारे क्लास में थे कुछ टिफ़िन चोर। वो साले पता नहीं कौन सी स्पाई एजेंसी से ट्रेनिंग लेके आए थे भाई। हमारी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, पेशाब करने गए या पानी पीने गए, भाई टिफ़िन गायब। और हमको घंटा नहीं पता लगता था कि हमारा टिफ़िन गायब है। पता कब लगता था? लंच में। और अगर किस्मत अच्छी रही तो टिफ़िन बॉक्स वापस मिलता था, वरना ढूंढना भी पड़ता था भाई किसने गायब करा है, टिफ़िन बॉक्स दे दो कम से कम। बुरी यादें हैं यार भाई। वो सूखी वाली मैगी जो गायब होती थी ना भाई, इतना अफसोस होता था भाई, क्या बताऊँ। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या पूछ रहा था भाई तुम लोगों से, हाँ, कि आज स्पेशल क्या बना तुम्हारे यहाँ सोहन पापड़ी छोड़ के? अब देखो, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, पता नहीं तुम लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, बट अब वॉइस ओवर करते नहीं बनेगा मेरे से। मेरे मुंह में जान तो पानी आ गया, अब चटकारे आएंगे। यार देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं उतरा तो हॉट ड्रॉप पे हूँ, लेकिन भाई साहब, अब क्योंकि हम एस में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं ना, तो हैकर्स आना शुरू हो गए हैं। और भाई देखो, मुझे इतना तो पता था कि देखो हैकर्स आएंगे, ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर था। लेकिन अफसोस, जानते हो मेरे को किस बात का हुआ, कि साले सस्ते हैकर्स आ रहे हैं भाई, रियली, जिनकी अभी अभी पैदा हुई आईडी है भाई, जिन्होंने पक्का यूट्यूब से हैक्स उठाया है भाई, रियली ब्रो, वो आ रहे हैं भाई। बिजमाई वालों, मैंने तो सुना था कि तुमने बैन वेव शुरू करी है, और अगर तुम्हारी बैन वेव आने के बाद इस टाइप के हैकर्स घूम रहे हैं ना भाई, शेम ऑन यू। वेल, मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बातों से समझ नहीं पाओगे, तो आज मैं तुमको दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो के अंत तक बैठे रहना, तुमको शायद से मैं दो हैकर और एक चीटर दिखाने वाला हूँ। तुम लोग भी सरप्राइज जाओगे कि अबे फारूख ये है क्या अबे। लेकिन उससे पहले देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम्हारे भाई ने 5 किल निकाल ली है, DPS वाले को ठोक दिया है, तो आज फॉर्म में तो थे अपन। अगर वो हैकर्स नहीं आते ना, तो आज 40 किल तो करके हटता मैं, मतलब मूड बना के गया था। सुबह कतई गुस्से में उतरा था, क्योंकि भाई थोड़ा देर तक सो गया था, मैंने कल की वीडियो में बताया था ना 2 बजे सो के उठा हूँ, तो वही मैं आज भी ट्राई कर रहा था, बट चाटा पड़ गया एक, तो इस वजह से थोड़ा गुस्से में था। तो मैंने कहा आज भाई गुस्सा निकालूंगा मैं बिजमाई की लॉबी में। लेकिन मेरे से ज़्यादा गुस्सा, जानते हो, ये भाई साहब एक बंदा था किल फीड में भाई, ये गरीब वाईटी ओपी, भैंस की आंख भाई। मेरा गेम प्ले बना हो ना बना हो मुझे पता नहीं है, बट ये लौंडा अपना गेम प्ले बना के गया है, और 100% उस हैकर ने इसको भी पेला होगा। फिलहाल किल फीड में इसका नाम चलता रहेगा, और आई थिंक शायद इसको मैंने ठोका भी था स्टार्टिंग में, नॉट श्योर, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे 7 किल हो चुके हैं, और अब मैं ढूंढ रहा हूँ बंदों को। वैसे तुम लोग मेरे को बताना कि भाई, एक मिनट रुक जाओ, इनको ठोक लेता हूँ फिर पूछता हूँ। अरे भाई फारव भाई के मॉलीज जाते हैं तो किल फीड्स आते हैं। वेल, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, और इससे पहले कि तुम लोग दिमाग लगाओ, ये जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना, लाइक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे भाई ने काफ़ी सारे किल्स निकाल लिए थे, मेरा हॉट ड्रॉप टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा जा रहा था, मेरे को उम्मीद थी मैं 15 किल यहाँ से करके निकलूंगा, हो जाएंगे इजिली, पर मैं ये भूल गया था एक हैकर आ चुका है। अब देखो भाई, पवन भाई को ठोकने के बाद मेरे को याद आया भाई इस घंटी सुन के, कि अरे यार मेरे को पेटी भी तो लूटनी है, क्योंकि आज अपन थोड़ा सा प्लान कर रहे थे स्नाइपिंग का, तो मेरे को AMR या AWM कुछ भी मिल जाएगी, तो थोड़ा सा मैं 1-2 किल निकालने का ट्राई करने वाला था। तो अब यहाँ से मेरा सिंपल सा टारगेट था कि मैं कैसल में जाऊँगा, पेटी खोलूंगा, और वहां से मेरे को कोई ना कोई स्नाइपर तो मिल ही जाएगी।
बस एम के ना मिल जाए यार, वो नहीं चाहिए मुझे। अब यार यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कैसल में, कि तुम फंसे हो तो फंसे ही रह जाओगे। मतलब मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ और बंदे आते ही जा रहे, रिस्पॉन ले लेके आते ही जा रहे, और मैं उनको ठोके भी जा रहा हूँ। वेल मज़ा तो आता है किल्स करने में, लेकिन फिलहाल मेरी प्रायोरिटी किल्स नहीं लूट थी, तो मैं गया सीधे कैसल के अंदर। लेकिन फिर मेरे को ये भाई साहब दिख गए। अब मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, चलते फिरते इनको निपटा देते हैं। अभी अभी बेचारा वापस आया, लूट होगी नहीं इसके पास। मैं सही बताया, इसके पास सिर्फ ऊजी थी, बेचारा डरा सहमा बैठा हुआ था, तो मैंने इसको मुक्ति दी थी। भाई इस बुरी बीजवाई की दुनिया में ये बेचारा क्या ही करता मासूम। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, तुम जाओ ना मैच स्टार्ट करो। अब देखो क्योंकि मैंने जितने भी किल पॉसिबली मिल सकते थे मेरे को बाहर उठा लिया था, तो मैं कैसल के अंदर गया। और मुझे क्या पता था साला वो शैतान सेटन का बाप यहीं बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। अब तुम देखो यहाँ कितना स्मोक है, और भाई ने इतनी एक्यूरेसी के साथ मेरे को मारा है ना भाई, सांस लेने का मौका नहीं मिला मेरे को। अब हो सकता है तुम कहोगे अरे फारूक भाई स्मोक यार पार तो लग जाती है। हाँ लगती है, मैं भी मारूंगा अभी, मैं मार के दिखाऊंगा आपको। लेकिन भाई ये डाउटफुल था, बिकॉज जो एक्यूरेसी थी ना भाई वो नेक्स्ट लेवल बुलशिट थी भाई। वेल कोई बात नहीं, मुझे अपने इन डाउट्स को पुख्ता करना था, क्योंकि मैं ऐसे रेंडमली किसी बेचारे के ऊपर आरोप लगाऊंगा कि ये लौंडा चीटिंग कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, तो अच्छा नहीं रहेगा भाई। और ये बात मेरे से अच्छा कौन समझ सकता है कि नहीं। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं वापस से रिकॉल लिया, और रिकॉल पाथ तुम देख सकते हो कि मेरा जा तो रहा था कैसल की तरफ से, और जिस बंदे ने मेरे को मारा था ना उसका नाम आदि था। इसी वजह से मैंने प्लेन वाला पोर्शन काटा नहीं, ताकि आप किल फीड में देख लो कि उस बंदे का नाम क्या था। तो अब आदि भाई हमारी हिट लिस्ट पे थे, लेकिन थोड़ी सी हमारी दुख दुख हो रही थी, बिकॉज यार दिल में कहीं ना कहीं एक डर बैठ तो जाता है कि ये बंदा हैकर है। और जब आप गेम प्ले बनाते हो ना, तब ये चीज़ और भी ज़्यादा बॉदर करती, क्योंकि देखो मेरे पास क्लियर कट ऑप्शन है, मैं कहीं और जा सकता हूँ, मैं किसी और कैसल पे जा सकता हूँ, किसी और हॉट ड्रॉप लोकेशन पे जा सकता हूँ, मेरे को लूट मिल जाएगी, मैं 20-25 किल कर लूँगा, मेरा गेम प्ले बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था एक हैकर से अर्ली फाइट लेके, है ना। अगर ये वाकई में हैकर है तो ये मेरे को पेल देगा, और 12 किल का कोई गेम प्ले नहीं डालता। तो यहाँ पर मेरे को दो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर मुझे गेम प्ले वाकई में बनाना है तो। सबसे पहले मेरे को उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, आदि नाम के बंदे को। उसके बाद मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो हैकर है, और वो कैसे मैं करूँगा मुझे नहीं पता, वो बंदा खुद ही प्रूफ करेगा। और उसके बाद मुझे उसे मारना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा नहीं तो गेम प्ले 12 किल पे ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई जान। अब मैं सीधा उसी रूम में पहुंचा जहां पर वो हैकर था। मुझे लेफ्ट राइट से फायरिंग की आवाज़ आई थी, मैं चाहता एक दो फ्री किल उठा लेता, लेकिन मेरे को लफड़ा चाहिए था, अपन मांगता था ये लफड़ा, मुझे आदि भाई को ठोकना था। तो मैंने करा क्या, मैंने एक ग्रेनेड लिया, क्योंकि ये लौंडा चीटिंग करने के बावजूद कैंप कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार एक ऐसा मैंने हैकर, ऐसा चीटर देखा है जो साला कैंप करता है। वेल मैंने उसकी मुंह पे स्मोक मॉली सब डाल के जो है अपना डिब्बा लूट लिया। लकली उसने मेरे डिब्बे को ज़्यादा लूटा नहीं था, ग्रोजा भी थी बट मैंने अभी उठाई नहीं, मेरी फट रही थी यार। और भाई ये तो बॉट निकला। वेल आदि यहाँ पर अब है कि नहीं मुझे पता नहीं चला, तो मैंने क्या रहा क्या एक और स्मोक डाल दिया। अब जब मैंने स्मोक डाला ना, तो मैं फिर से अपनी पेटी पे आया, बिकॉज मुझे ग्रोजा उठानी थी। अब यहाँ से मैंने ग्रोजा लिया, और तुम यकीन नहीं मानोगे मैं बहुत देर बैठा रहा, डीपीएस आदि चला रहा था, और फाइनली मेरे को किल फीड आया, मैं समझ गया आदि यही है। अब देखो इंटरेक्शन, तुम जरा देखना इसे भाई, मेरा हाफ एचपी उड़ा दिया भाई, व्हाट द हेल। अब देखो ये चीज प्रूफ नहीं करती कि हैकर है, हो सकता है उसे मेरा फुटस्टेप आ गया हो, उसने एंगल बना के मेरे को मारा हो, लेकिन एक झटके में हाफ शील्ड मेरी चली गई, हाफ शील्ड सॉरी यार वैलोरेंट खेलता हूं आदत पड़ गई, हाफ एचपी चली गई मेरी, तो ये चीज शक वाली तो थी, लेकिन फिर भी प्रूव नहीं हो पाया था अभी कि आदि हैकर है। लेकिन फिर भी मैं अपने काम में लगा था, मैं किल्स निकाल रहा था, लेकिन आदि भाई इस दुश्मनी को ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे। आदि को लगा ये साला एक रैंडम बाबू मेरे को मार के किसे गया, मैं बदला लेगा। तो आदि आया वापस, और इस बार शायद इसने अपनी स्क्रिप्ट को ज्यादा ही इनेबल कर दी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। सबसे पहले हुआ क्या कि जब मैं वो गिली सूट वाले बंदे से फाइट ले रहा था ना, तो यहाँ पर एक और बंदा आ गया था, और वो बंदा एग्जैक्टली वहीं जाके फंस गया जिसे मैं कहता हूँ मौत का कोना। क्यों आप खुद ही देखो। सबसे पहले मैंने एक ग्रेनेड डाल के अपना क्लोज कॉर्नर चेक कर लिया, वो क्लियर था। फिर मेरे को एक पैराशूट का सिंबल आया, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर फुटस्टेप आया तो मेरे को सब क्लियर हो गया। मैंने एक मौली उसी कोने में टकरा कर डाली, लौंडा फंस गया। इसीलिए बोलता हूँ भाई
इस कोने में मत छुपो, दिखता बड़ा अच्छा कोना है पर है नहीं। लेकिन यहाँ पर एंट्री जानते हो किसकी हुई थी? वो पैराशूट का सिंबल जानते हो किसका था? आधी का। अब तुम खुद देखो। ये साला हराम खोर मेरे को दीवार के आर पार मार के 1 HP कर दिया भाई। अब तो भाई मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता भाई। ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल नहीं, ये क्लियर कट वॉल बैंक था। बस मैं बच के से गया, मुझे ये पता नहीं था मतलब पहले उस स्प्रे में क्यों नहीं मरा था मैं। वेल, अब मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आदि हैकर है या फिर नहीं। लेकिन 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 लेकिन, लेकिन, लेकिन अगर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो ये गेम प्ले आगे थोड़ना बढ़ता। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ कि हाँ, स्मोक पे बंदे मरते हैं। सामने मैंने स्मोक डाला, वहां पर एक बंदा है, बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है, फुटस्टेप आ रहे हैं कानों में। मैंने कितनी गोलियां चलाई हैं, गन चेंज करी, तब जाके फिनिश हुआ है भाई। वेल देखो, हो सकता है कि आदि ने मेरे को दीवार के आर पर कोई ग्लिच का इस्तेमाल करके मार दिया, वो हैक यूज ना कर रहा हो, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग डिसाइड करो। लेकिन अब यहाँ पर एक और चटपटी चीज होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुमको दो ऐसे बंदे दिखाने वाला हूँ ना, तुम भी कहोगे अबे साली ये तो अभी कुछ घंटे पहले पैदा हुए और ये तो माइक टाइसन को हरा रहे हैं। मतलब तुम खुद देखना भाई, इतना खतरनाक खेल रहे हैं ना ये बंदे एस की लॉबी में, तुमको क्या बताऊँ। मतलब क्रिएटर्स तो चूतिया है भाई उनके आगे। फिलहाल देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप लूटा, इस ड्रॉप पे मेरी बहुत देर से नजर थी, मैं वेट कर रहा था इसका धुआं हट जाए तो मैं लूटने जाऊँ, बिकॉज मुझे पता था लॉबी में आधी घूम रहा है। ऊपर से ये गरीब वाइटी टॉप किधर है भाई, इसको सिर्फ किल फीड आ रहा है भाई, ना गन साउंड आ रहा है ना बंदा दिख रहा है। फिलहाल तुम देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं प्रिमोस की पहाड़ी पे हूँ, जो वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलर पहाड़ी है, यहाँ पर रेयरली लोग आते हैं और रेयरली इस जगह को होल्ड करते हैं बिकॉज ये टट्टी है। क्यों आपको भी समझ में आ जाएगा। हुआ क्या कि यहाँ पर मैं आया था थोड़ा प्रिमोस वाला एरिया चेक करने, क्योंकि मैं सेफ खेल रहा था, मुझे हैकर यहाँ तो नहीं बनना था। तभी यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर भैंस क्या किसे क्या बोलते, मेरे दिमाग से उतर गया, हवर बोर्ड आया, शायद हवर बोर्ड ही बोलते नहीं कुछ, हवर क्राफ्ट आया। वेल मैंने एक बंदा नॉक करा, लेकिन ये तीन बंदे थे, ठीक है, एक बंदा तो खुद को सेल्फ रिवाइव कर लेगा, लेकिन एक बंदा मेरे जस्ट पीछे, मैं प्रोन हूँ इस वजह से उसके एंगल पे नहीं हूँ, और एक मेरे ऊपर आ गया। मुझे पता था कि ऊपर वाले को ठोकना पड़ेगा नहीं तो पीछे वाला मारेगा, लेकिन भाई इन दोनों ने टाइमिंग मिला के मेरे को ठोक दिया। वेल कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेट था, मैं फंस गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं इनको स्पेक्टेट करने गया ना भाई, मसाला देखो, अबे ये किसको शूट कर रहे हैं, ये असल में हवर क्राफ्ट वाले थे ही नहीं, ये दूसरे बंदे हैं बता। और भाई इसका स्टैट्स देखो, 10 मैच में 117 किल 11 की केडी से, व्हाट द फक। और दूसरे बंदे को देखो भाई, 12 मैच में 18 किल, रियली यहाँ कौन किसको कैरी कर रहा है, साफ दिख रहा है। और भाई ये सिर्फ डुओ थे, और दोनों का नाम इतना सस्पिशियस है ना भाई, लिख के दे सकता हूँ ये अभी पैदा हुए हैं दोनों कुछ दिन पहले। Sad life.